हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ पुष्पिन, मेंटर ऑफ मैथमेटिक्स। टुडे आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल एनालिसिस। बच्चों, बहुत दिनों से बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि सर हमारा वीडियो क्लास एट्थ का वीडियोज़ आप नहीं बनाते हैं। तो क्लास एट्थ का आज ये पहला वीडियो है और टॉपिक है एलजेब्रा। एलजेब्रा का यू वर्ड प्रॉब्लम है। बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि स्टेटमेंट की मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, तो उनका इक्वेशन बनता नहीं है जिससे वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज ये पहला वीडियो जिसका शुरू हो रहा है, मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम का, तो इसको बच्चे खूब अच्छे से ध्यान दें और एक एक स्टेप को समझें। तो उससे पहले, शुरू करने से पहले, अगर आज हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेड बटन होगा उसके बगल, बेल आइकन होगा जिसको प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है क्लास एट्थ का एलजेब्रा, इसमें है वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन ये है, द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ माया एंड दिया इज 1:2 एंड द परसेंटेज ऑफ दिया इज 28 ईयर। फाइंड द एज ऑफ माया आफ्टर 10 ईयर। सबसे पहले तो हमको परसेंटेज ऑफ माया फाइंड करना होगा। इसमें लिखा है सिंस रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ माया एंड दिया इज इक्वल 1:2, देन प्रेजेंट एज ऑफ माया, तो इसको हम ले लेंगे एक्स, तो दिया की जो एज होगी वो 2x हो जाएगी। प्रेजेंट एज ऑफ दिया इज इक्वल 2x। आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ दिया की जो प्रेजेंट एज ऑफ है वो कितना है, 28 ईयर है, तो लिखेंगे ड्यू टू क्वेश्चन, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल 28 ईयर्स, तो x इज इक्वल 14 ईयर्स। तो x जो था हमारा क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ माया था। आपको पता है कि जब आफ्टर की जो एज होती है वो प्रेजेंट एज में प्लस कर देते हैं, तो इसके नीचे लिखेंगे हेंस एज ऑफ माया आफ्टर 10 ईयर्स, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। x की वैल्यू 14 आई है, इसी को हम यहाँ लिख देंगे, 14 प्लस 10 दैट इज 24 ईयर्स, तो 10 साल बाद माया की जो एज होगी वो 24 ईयर होगी। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको बहुत ईजिली समझ में आया होगा। एक एक स्टेप मैंने लिख के बताया है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तुरंत इसको लाइक करके शेयर कर दीजिए, जिससे हम लोगों का भी मोटिवेशनल बढ़ता है और फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने का मन और करता है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, आपका अगला वर्ड प्रॉब्लम है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 40 मीटर। आपको बताए थे बच्चों कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम दिख रहा है, रेक्टेंगल के शेप में हमारा कोई शेप है और उसी के लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन देके पेरीमीटर से एक रिलेट करके उसकी एरिया को पूछा है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा बोलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मेंसुरेशन। ये मेंसुरेशन पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन होता है। आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल की 2 डायमेंशन होती है, लेंथ एंड ब्रेथ, और इसकी एरिया होती है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया को फाइंड करने के लिए हमको 2 डायमेंशन की मेजरमेंट जरूरी है और जो कि इसमें रिलेशन दिया गया है उसको फाइंड करते हैं। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल x मीटर, देन इट्स लेंथ इज इक्वल 2x प्लस 5 मीटर। आपको पता है कि पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2, मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। वी नो दैट पेरीमीटर
टू टाइम्स एल प्लस बी इज इक्वल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है 40 मीटर, तो इसको लिख सकते हैं एल की वैल्यू है हमारी 2x + 5 प्लस एक्स, मीटर इज इक्वल 40 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, 2 से 40 कैंसिल 20 हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे 2x + x 3x 5 इज इक्वल 20, 3x इज इक्वल 20 - 5 दैट इज 15, x इज इक्वल 15/3, 3 1 जा 3 5 जा, तो ये हो गया 5। और हमसे पूछा जा रहा है एरिया, पहले हम लेंथ निकालेंगे, लेंथ 2x + 5, तो 5 2 जा 10 प्लस 5 दैट इज 15 मीटर, ब्रेथ दैट इज 5 मीटर। अब हमको एरिया बताना है, एरिया इज इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की वैल्यू है 15 इंटू 5 मीटर स्क्वायर दैट इज 75 मीटर स्क्वायर इज फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आज की मुलाकात यहीं तक, फिर इसके बाद हम न्यू वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिर से, और अपने दोस्तों में भी इसको भेज दीजिएगा जिससे इसको इस टाइप के क्वेश्चन को उनको भी फ़ायदा मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माइंड चैनल।